तो गाइस कमा मुझे लेकर आई है V3S मॉल। जाने से पहले वापस कर दूंगा, सही लाइट में दिखाना चाहते हैं सब हमें बोलेंगे। तो यहां क्या कर रहे हो? तुझे तो पता है मुझे जबानी लग गई। हुसैन तेरा ये देखिए गाइस जाम बिल्कुल नहीं खुला। तेरे वरना तो मैं कोई रिश्ता। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं हम सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। और आज की मॉर्निंग हमारी किस चीज से हो रही है मैं दिखाती हूँ। टंडना खाने से सुबह सुबह पता है आप लोगों को, तो पता है पिछले ब्लॉग में मैंने इन लोगों को खाना खिलाया, मतलब कल के ब्लॉग में इन लोगों को बासी खाना खिला दिया था और सब कुछ निपटा दिया था घर का, कुछ भी नहीं बचाया था मैंने। तो अब मैंने सुबह सुबह उठ के खाना ही बना लिया। तो इन लोगों ने नाश्ता करने के बाद फ़ौरन लेके बैठ गए अपनी अपनी प्लेट, और मुझे भी बहुत तेज भूख लग गई थी क्योंकि मैंने रात मैगी खाई थी, तो इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लग गई थी। तो मैंने चावल तोरी चावल बना लिए और अचार के साथ खूब खा रहा हूँ मैं। तो चलो गाइस मैं खा के, और आज हम कहीं जाएंगे, कम कह रही थी कहीं जाने के लिए, तो कम मैंने बोला अच्छे से कपड़े पहन लूँ तैयार हो जियो, कहीं चलेंगे हम। तो मैंने बोला कहाँ, कह रही पहले चल पहले तैयार तो हो जाए फिर बताऊँगी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो मैं खाना खा के मैं तैयार होती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम हो चुके हैं रेडी और कमो कहीं ले जाने के लिए रेडी। और गाइज मैंने ये वाला आउटफिट पहना, आप देख सकते हो मैंने शर्ट और कैरी करी है और नीचे जीन्स ब्लैक। और आप बताना कमेंट करके मेरा ये वाला लुक कैसा लग रहा है, अच्छी लग रही है ना गाइज। तो चलो गाइज अब मिलते हैं आपसे। कहाँ कमो लेके जा रही है? फिलहाल तो अभी शॉप पे जा रहे हैं हम। शॉप पे जाने के बाद सामान वगैरह रखने के बाद, खाना वगैरह रखने के बाद फिर जाएंगे हम वहाँ से। तो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो चलो मिलते हैं आपसे शॉप पर, नहीं शॉप पर नहीं रास्ते में, ठीक है। तो गाइज मेरे लिए कोई सरप्राइज है, मुझे कहाँ लेके जाया जा रहा है, तो चलो हम मिलते हैं अपने अपनी सरप्राइज वाली जगह पे, ठीक है। तो गाइज कमा मुझे लेकर आई है V3S मॉल। हमें मुझे तो लगा कोई स्पेशल जगह जा रहे हैं हम। कमा मैं ही बोलती रहूँ क्या? और देखो नाजरीन भी है यहाँ पे, नाजरीन भी मिली है। नाजरीन का ऑफिस लक्ष्मी नगर में ही है ना, तो वो भी हमें यहीं मिल गई। तो इन दोनों का कुछ प्लान था। हाँ कमो कहाँ जा रहे हैं बताओगे कुछ? V3S तो हम आ गए। मैं मार दूंगी। तो गाइस हम फाइनली आ चुके हैं V3S में मूवी देखने। तो आपको कैसा लग रहा है मूवी देखने आने में? अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे बताया नहीं था, मैं तो चलिए आपके तैयार होकर आई, मुझे लगा कि हम अच्छी सी जगह जा रहे हैं। ये भी अच्छी सी जगह ही है, मूवी दिखाने वाले लेकर आए। पांडे जी आपको कैसा लग रहा है? हाँ ठीक, इन दोनों ने प्लानिंग कर ली थी पहले की, इसका मतलब सरप्राइज तो। हाँ भाई बताओ, सरप्राइज है ना उसके लिए। सरप्राइज फिर भी खुशी वाली कुछ चीज नहीं है इसके अंदर। कौन सी मूवी देखने आए हैं? तुम बताओ ना भी। नहीं सरप्राइज हर चीज़ में सरप्राइज सरप्राइज। तो अंदर चलती चली आ गई और इन लोगों का सरप्राइज यही था मूवी दिखाना, तो मैं तो कुछ और ही समझी थी। चलो कोई नहीं, फिर मूवी भी इंजॉय कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग भी इंजॉय करिए मेरे साथ। गाइस स्टार्ट हो गई मूवी। जाने से पहले वापस कर दूंगा। गाइस समझ रहे होंगे कौन सी मूवी देखने के लिए आए। बैड न्यूज ये दोनों को देखो गाइस कैसे व्यस्त है मूवी देखने में। गाइस हो चुका है इंटरवल और हम जा रहे हैं कुछ खाने के लिए लेने। तो गाइस हम जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, कुछ खाने के लिए। तो गाइस करिश्मा यहाँ से कुछ ऑर्डर कर रही हैं। गाइस हमारा सैंडविच आ चुका है। ये देखिए हमारा सैंडविच और हम खाने जा रहे हैं, और हम किसी की शक्लों पर लाइट नहीं दिखाना चाहते, सब हमें बोलेंगे। ये देखो सामने पिक्चर चल रही है और ये हमारा सैंडविच। तो गाइज हमने मूवी वगैरह देख ली है, तो अब जा रहे हैं हम अपनी शॉप के लिए।
शॉप की तरफ, तो चलो चलते हैं साथ में। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं गाइस मॉल से दुकान पर। अब दुकान पर थोड़ा आराम कर ले, रेस्ट वेस्ट कर ले, फिर हम मिलेंगे। हमारी दुकान के लिए अपने घर जा रही है और लोग घटे गप्पे मार रहे हैं। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर पर। तो गाइस हम वहाँ से आ गए थे और आने के बाद मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे, तो मैं पी रही हूँ एनर्जी और कमक कमक कर रही है। तो देखिए कमक काम कर रही है। जिस दिन में हमने मूवी देखी थी ना, तो गाइस ये वहीं अपने ऑफिस में ही रुक गई थी और हम आ गए थे घर यहाँ शॉप पर। तो अभी अपने ऑफिस से छुट्टी अब इनकी हो गई है, तो अभी यहाँ पर आ गई हैं। तो चलिए गाइस मैं एनर्जी पी लेती हूँ और अब फिर मिलते हैं हम आपसे। गाइज ये लोग छिपकली पकड़ रहे हैं। चलो चलो दे दे दे। अरे ना ना फिर 9 बज गए। चलो लो लो चलो रुक जा। गाइज ये छिपकली पकड़ रहे हैं। यूरी ना टेबल पे पकड़ है। बहुत अरे वो अरे दीदी रहन दो भाई, नाली लपकी शीशा पिच गया था थोड़ी और टूटेगा ही। चलो शीशा नहीं, वो छिपकली को बोल रही हूँ मैं। बने मैं भाई भाई बोल भाई है कपड़ा डाल तो गाइस सारी मौज मस्ती करने के बाद हम जा रहे हैं पार्लर ऑफ करके अपने घर। तो मिलते हैं अब सीधा घर पर। बाय टाटा अल्लाह हाफिज। तो गाइस हम छोटी नगमा को छोड़ने जा रहे थे, छोटी नगमा को छोड़ने जा रहे हैं उसके घर। और गाइस बहुत ज़्यादा जाम हो रहा है, सब जगह जाम हो रहा है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कितना जाम हो रहा है। तो छोड़ो चले जाएंगे। चलिए गाइस अब मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। हम वापस पता नहीं कैसे जाएंगे, वहाँ तो गए हैं बीच में फंस गए हैं। यहाँ से निकले और नगमा को छोड़े और वहाँ से वापस कैसे आते हैं हम देखते हैं। ये देखिए गाइस एक साइकिल वाले तक की जगह नहीं है निकलने की। साइकिल तक नहीं निकल पा रही। और आंटी देखो बिल्कुल आराम फरमा रही है, अमरूद खा रही है बैठ कर। नगमा यहाँ से पैदल चली गई है अपने घर और जाम बिल्कुल नहीं खुल रहा। चलो हम घर जाके मिलते हैं आपसे। ट्रैफिक कितना हो रहा है गाइस, पता नहीं अब हम कब घर पहुँचेंगे। तो चलो जब भी घर पहुँचे हम आपको घर जाके मिलते हैं, ठीक है। हमारी लड़ाई हो गई है यहाँ पे, हमारी लड़ाई हो गई है, आप देख सकते हो। नहीं भाई कैसे मारा तुमने, साइड में काट दिया मैंने। साइड में देखो मेरा, साइड में काट दिया मैंने। अरे बाहर निकालो, देखो मैंने मैदान में बीच में पकड़ रखा है सबको। देखो गाइस हमारी इसकी लड़ाई हुई थी, ऐसे उसकी भी लड़ाई हो गई उसी रिक्शे वाले से। बहुत लोगों की लड़ाई हो रही है, उसने बीच में फंसा रखी है गाड़ी। ओ भाई कैसे निकल रहे हैं, बस निकलने ही वाले, थोड़ा सा और है। अरे बहुत ट्रैफिक हो रहा है, अल्लाह कहाँ फंस गए हम। मार छीन के लेके जाने की हिम्मत नहीं है भैया किसी की। तो गाइस आपने ट्रैफिक में भी देखा ना कितनी ऐसा अफरा तफरी हो रही है, भागम दौड़ हो रही है भैया, मार जल्दी जाने की हो रही है लोगों को। चलिए गाइस अब मिलते हैं आपसे यहाँ पे। सब जगह जा भी लॉकडाउन लगा पड़ा, दिमाग खराब हुआ है पड़ा है मेरा तो। नहीं गई आगे, यही मरा पड़ा है आगे। गाइस हम जंग जीतते हुए हम आ चुके हैं घर और ये देख सकती हो पसीने से कितनी हो रही हूँ मैं गीली गीली। और गाइस जंग जीतते हुए भीड़ को चीरते हुए
बहुत थक गए हैं, सबसे लड़ाई झगड़े करते हुए निकले हैं। और एक चीज और दिखाना चाहती हूँ मैं आपको, बता गाइस, हम रोज अपने घर का सौदा वोदा लेकर आते हैं, शाम का आज कुछ नहीं लेकर आ पाए, इतने भीड़ भड़कर दूध लेकर हम सीधा आ गए भाई। हाँ, सिर्फ दूध की थैली लेकर आए बस। और मैं दिखाती हूँ करिश्मा के साथ आज क्या हुआ। ये देखिए गाइस, करिश्मा की पैंट क्या ये अभी इसने पैंट उतार के फेंकी है अपनी। इसकी कंडीशन देख सकते हो आप, केक कितनी बुरी तरीके से ही है, बिल्कुल कीचड़ में सनी पड़ी थी। वाइट पैंट की हालत देख ली गाइस, रगड़ने में भी कई दिन लगेंगे। ढलान पे तो इतनी बुरी हालत हो रही, सारे रिक्शे वाले एक साथ ही आगे गिर रहे हैं। मेरी तो लड़ाई भी हो गई एक रिक्शे वाले से, मैंने रिकॉर्ड करी है वैसे। अच्छा तो चलो गाइस, हम बहुत थक गए, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो गाइस, हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और मैंने नमाज वगैरह भी पढ़ ली है, और अब जो जाके मैंने कपड़े वगैरह चेंज करे हैं। और गाइस, अब मैं बनाने आई हूँ खाना, और मैं स्लिप पे बैठी हुई हूँ। अब लोग सोच रहे हो कि स्लिप पे बैठी हुई है, और कम्मो क्या कर रही है, कम्मो तो दिखाती हूँ। कम्मो कर रही है मेरी हेल्प। क्या हो गया? कुछ नहीं। तो गाइस, कम्मो करा रही है मेरी हेल्प, तो मैं कम्मो के लिए बनाने जा रही हूँ आज एक लजीज चीज। कम्मो बताएगी, कम्मो बताओ। माई फेवरेट, योर फेवरेट, माई फेवरेट पाव भाजी। तो गाइस, कम्मो की पाव भाजी के लिए मैंने, कम्मो ने सारी तैयारी करके रखी थी, जब तक मैंने नमाज पढ़ी है जब तक कम्मो ने सारी तैयारी कर ली कि मुझे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। तो मैं दिखाना चाहती हूँ, देखो कम्मो ने क्या क्या कट करके रख रखा है। तो गाइस, सबसे पहली अदरक लहसुन का पेस्ट है इसमें, और इसमें प्याज है, काफी बड़ी बड़ी प्याज है, दो प्याज कट कर ली थी करिश्मा ने, ये मैंने डाल दिए तेल में करके। हरी मिर्च, टमाटर कट कर लिया, शिमला मिर्च है, ये मटर है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो पहले से रेडी करके रखा हुआ है, और ये है आलू। तो इन सब चीज़ों की, और ये है चकुंदर। इन सब चीज़ों की हेल्प से अब हम बनाएंगे पाव भाजी। तो चलिए गाइस, पाव भाजी के लिए मैंने सबसे पहले डाल दिया है इसमें प्याज, फिर डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट ऊपर से, जो थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाए। और जो जो चीज़ मैं इसमें ऐड करूंगी वो मैं आपको दिखाती रहूंगी, ठीक है। कम्मो कट कर रही है चकुंदर, बहुत है बस, बहुत है, लाल लाल। तो गाइस, मैं फटाफट से अपनी पाव भाजी रेडी कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरी पाव भाजी की रेसिपी देखनी है तो मेरे पिछले ब्लॉगों में, काफी ब्लॉग में आप जाके देख सकते हो, पिछले ब्लॉगों में देख सकते हो क्या बोलूँ, भूल जाता हूँ, पिछली वीडियो में देख सकते हो, मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने पाव भाजी की पूरी रेसिपी। तो गाइस, आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो, मैंने पाव भाजी की पूरी रेसिपी इसमें दे रखी है। तो चलिए, मैं पाव भाजी बना लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस देखो, हमारे पाव भाजी दोनों तैयार हैं। ये रही हमारी पाव भाजी, और इसमें चावल है, सानवा चावल भी खाएगा क्योंकि ये हमने पूरा खाना लगा लिया। तो चलो गाइस, हम खाना लगा के टेस्ट बताते हैं। तो गाइस देखो, किसने सानवाज खा रहा है, सानवाज कैसा बना है? बड़े बना है नगमा भाई, देखो तुम इनकी प्लेट लगा दी है, मेरी और नगमा की है। लो भैया, इसे तो ठंडी लगती रहती है, कुछ नहीं हो सकता। चल खा के बता कैसी बनी है। ब्रेड भी सेक लिए, ये तोड़ा इसने पाओ। प्याज कहाँ है? प्याज फ्रिज में है। अच्छी लग रही है ना, बने और अच्छी ना बने ऐसा हो भी नहीं सकता। तो गाइस, सबने कहा है भाई पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलो गाइस, इन लोग को देख के अब हमें भी बहुत मिर्ची वाली भूख लग गई है, अब हम खा लेते हैं पाव भाजी, फिर हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद, बाय। तो गाइस, हमने खाना वगैरह खा लिया है, और अब ये देखो हल्दी वाला दूध रखा हुआ है, मेरा तो बटर वाला है, इन दोनों के लिए हल्दी वाला है क्योंकि उनको कोल्ड वगैरह हो रहा है, सैंडविच को भी कोल्ड हो रहा है, तो मैं हल्दी वाला दूध बनाया, हल्दी वाला दूध मैं बना के लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए, और अपने लिए बटर वाला दूध, ठीक है। तो गाइस, चलो हम दूध वगैरह पीने के बाद हम सो जाते हैं, और आप अपना ब्लॉग करते हैं यहीं पे स्टॉप, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए गाइस, आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक से जरा कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए बाय, आई लव यू, टाटा।